आज उस शख्स का जन्मदिन है जिन्होंने दूध की कमी से जूझने वाले देश को दुनिया का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, और वो शख्स थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 1921 में केरला में हुआ था। उन्होंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु से डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1949 में उन्हें भारत सरकार द्वारा गुजरात के आनंद शहर में भेजा गया एक्सपेरिमेंटल क्रीमरी के लिए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का सपना था कि भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के साथ ही किसानों की दशा भी सुधारे। उन्होंने आनंद शहर में त्रिभुवन दास भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा जिला में कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड की शुरुआत की। वहीं पर उन्होंने अमूल कंपनी की नींव रखी और भैंस के दूध से बनने वाला पाउडर बनाया, जो कि दुनिया में पहले किसी ने नहीं बनाया था। इससे पहले सिर्फ गाय के दूध का पाउडर बनता था। अमूल कंपनी की सफलता पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को दूसरी जगहों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड का गठन किया और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को उसका अध्यक्ष बनाया। एनडीडीबी ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। ऑपरेशन फ्लड से ही भारत देश में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। तब हमारा देश दुनिया में नंबर एक स्थान पर था दूध उत्पादन में। कुरियन ने 1965 से 1988 तक 33 साल तक एनडीडीबी के अध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दी। उनको इस योगदान के लिए भारत सरकार ने 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। साथ ही 1993 में अमेरिका के इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर भी उनको चुना गया था। इसके अलावा 1989 में उन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज, 1966 में पद्म भूषण, 1965 में पद्मश्री और 1963 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। 9 नवंबर 2012 को गुजरात में उनकी 90 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 2014 से डॉक्टर वर्गीस कुरियन की याद में पूरे देश में नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। हमारे जेड न्यूज डिजिटल मीडिया की तरफ से हम उन्हें सच सच नमन करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक करिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।